कंचन युक्तार्थम तथा जो गौरी गणेश भगवान चेतन ग्रह आवास ग्रह पूजन कंचन युक्तार्थम जय नारायणाय नमो नमः भूमि नमः ओम पृथ्वी त्वया दिविता लोगा त्वंच धारम मा देवी पवित्रम कुक्षासन पृथ्वी नमः संपूज्य ओम नमो लं लं से नम तम तम से पृथ्वी नमः संपूज्य हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षरियो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ओम पय पृथिव्यां पयो कदीक पयो दिगन्तविश्वे पयो धाः पयस्वती प्रजसंतु मह्यं विष्णोरराकमसि विष्णुपतरो दूरसिवयसुरमसि सुनुवत्वा अग्निदेवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुरो देवता रुद्रो देवता आदित्यदेवतेन्द्रो देवता मरुतो देवतेन्द्रो देवता भ्यो शान्ति देवता शान्ति राम शान्ति वनस्पते शांति वनस्पति कंडाज कंडम आग्रे सर्वीवाम दीपम दर्शयामि पाद्यं समर्पयामि नैवेद्यम नैवेद्यम सगुणम सेवा नैवेद्यम समर्पयामि धन नमो नमः ओम सर्वे देवेभ्यो नमो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः आसने मिलाम भवति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा ये मिलाना सर्वरो में प्रकाशाय दीप ज्योति हां बस लेना उसके बाद कार्यक्रम में आएंगे सत्य ज्योति नमो हो गया हां हां उसके बाद कार्यक्रम में आएंगे सर्वे भ्यो देवेभ्यो नमो नमः ओवर हो गया बस समझ हां आए उद्घाटन ओवर हो गया ठीक है एक मिनट थोड़ा पीछे जाओ शुभम बहुत ही कल्याण सरकार के आ गए पर्यटन साहब आप इधर आपका फोटो तो भी सही है सामने आ जाइए फोटो ले ले तो उनको बहुत बहुत बधाई बहुत धन्यवाद के बीच में आपका अभिनंदन उत्तराखंड सरकार के द्वारा अब मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आकर मंचासीन हैं हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री स्वतंत्र देव सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद और माननीय प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री मदन कौशिक जी माननीय शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार हमारे बीच में श्री अवनीश अवस्थी जी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश श्री मुकेश मेश्राम जी प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश श्री सुरेंद्र सिंह जी विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री शिवपाल सिंह जी विशेष सचिव उत्तर प्रदेश आप सबका भी उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से आप आएं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को शॉल मोमेंटो स्मृति चिन्ह भेंट कर उत्तराखंड में स्वागत करने की कृपा करें श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री बद्रीनाथ धाम में स्मृति चिन्ह शॉल भेंट कर स्वागत मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरे नहीं भाई हम करेंगे श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी का भी स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर स्वागत अभिनंदन करेंगे
मैं जिलाधिकारी चमोली एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान रघुवीर जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर स्वागत करें। डीएम चमोली श्रीमती स्वाति भदौरिया जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं जिलाधिकारी चमोली से अनुरोध करूंगा कि आप श्रीमान मदन कौशिक जी माननीय शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार का भी स्मृति चिन्ह शॉल भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं CDO अपने मुख्य विकास अधिकारी चमोली आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार का शॉल स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे। अवनीश अवस्थी जी, अच्छा मैं अनुरोध करूंगा CDO चमोली से श्री संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आप शॉल स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। मैं CDO चमोली से अनुरोध करूंगा कि आप आए और श्री मुकेश मेश्राम जी प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश आप स्वागत करें। मैं मुख्य विकास अधिकारी चमोली से अनुरोध करूंगा कि आप आए और श्री सुरेंद्र सिंह विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आप आए स्वागत स्मृति चिन्ह शॉल भेंट करें। मैं CDO चमोली से स्वागत अनुरोध करूंगा कि आप आए और श्री शिवपाल सिंह जी से विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का स्वागत करें। मैं अब इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों के बीच में पत्रकार वार्ता के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सबका को आशीष वचन दें। अच्छा मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम सभी लोगों का अपने उत्तराखंड में स्वागत करें। नहीं यहाँ ठंडा हो रहा वहाँ ठीक है। बाबा भद्र विशाल के पावन प्रांगण में मैं आज उत्तर प्रदेश राज्य के बहुत ही यशस्वी और देश के बहुत ही चहेते नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य योगी जी पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। उनका संदेश न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश सुन रहा है और वो जिधर जाते हैं एक नया उत्साह देकर जा रहे हैं। आज जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा यात्री विश्रामालय का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ ये हमारे लिए एक और भी बड़ी उपलब्धि है। तमाम देश भर के पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं उनके लिए एक और सुविधा यहाँ पर बनने जा रही है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो श्रद्धालु हैं जो बद्रीधाम के दर्शन के लिए आते हैं उनको थोड़ा सुविधा उपलब्ध होगी। पूज्य योगी जी हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य दुनिया के तो कई देशों की आबादी मिलाकर उत्तर प्रदेश जैसी आबादी होगी। उत्तराखंड को आबादी की दृष्टि से देखें तो 101/25 हिस्सा है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश पिछले
कई वर्षों से एक बहुत ही गलत दिशा में चल दिया था। खुलेआम नारे लगते थे, हमारा राज आएगा, गुंडा राज आएगा। योगी जी ने गुंडा राज समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए, मैं तो भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको और ऊर्जा और शक्ति यहां से प्रदान करे कि जो गुंडा राज के खिलाफ योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में अभियान लिया है वो अपने आप में अभिनव है। मुझे भी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक संगठन की राजनीति करने का मौका मिला और उत्तर प्रदेश एक तरह से माना जाता था कि बिना गुंडों के संरक्षण के उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं की जा सकती। गुंडों को एक अनिवार्य मान लिया गया था राजनीतिक मजबूती के लिए। योगी जी ने अपने नाम के अनुकूल और अपने पीठ के सम्मान के अनुकूल जो उत्तर प्रदेश में वो कर रहे हैं, मैं तो भगवान बद्री विशाल से, चारों धामों से, इस देवभूमि से, यहाँ के तमाम देवी देवताओं से यही प्रार्थना करूंगा कि योगी जी और ऊर्जित होकर यहां से जाए, आपकी ऊर्जा और अधिक बढ़ती जाए और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, एक उत्तम प्रदेश उत्तराखंड बने, इसके लिए मैं कामना करता हूं। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से एक बार आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोल बद्री विशाल की, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। मैं आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को, आप हम सबको आशीष वचन दें। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर स्वीकृत पर्यटन आवास गृह के शिलान्यास कार्यक्रम और भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्रीमदन कौशिक जी, लखनऊ से मेरे साथ यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनार्थ और इस कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन श्री मुकेश मिश्रान जी, पर्यटन विभाग के विशेष सचिव समेत सभी अधिकारीगण, जनपद चमोली की जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत यहाँ के सभी अधिकारीगण, सभी यहाँ के पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परसों से उत्तराखंड में हूँ।
बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था, उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर यह तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग एक वर्ष से कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों को कल ही यहाँ पर रहना था, लेकिन कल आपने देखा होगा मौसम कितना विपरीत था। वो भले ही हम लोगों को देखने के लिए विपरीत लग रहा हो, लेकिन उत्तराखंड की दृश्य बहुत अनुकूल था। यहाँ की खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, पर्यटन की संभावनाओं के लिए बाबा केदारनाथ जी का और भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद यहाँ की जनता को और श्रद्धालुजनों को प्राप्त हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने एक दिन कार्यक्रम स्थगित करते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पे यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कल भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था रखा था, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम स्थगित हुआ था। आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, ये मेरी जन्मभूमि भी है और इस देश से मैंने अपना बचपन उत्तराखंड में ही काटा था और उत्तराखंड जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है मुझे बहुत अंतःकरण से आनंद की अनुभूति होती है और मैं आज यहाँ पर पिछले 3 दिनों से न केवल यहाँ के तीर्थस्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लगा ये पर्यटन आवास गृह यहाँ पर कार्य
अब जो नया सीजन प्रारंभ होगा उसके साथ ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपनी तैयारी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि हम एक वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अभी हम लोग जब भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ पर मैंने इस बात को देखा है कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही इस पावन धाम में अनेक संतों ने, योगियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको पवित्र किया है। और योगिराज सुंदरनाथ जी की भी तपस्थली है। आप देखेंगे जब आप बद्रीनाथ मंदिर में जाते हैं तो शंकराचार्य जी की मूर्ति के बगल में एक बड़ा चित्र रखा हुआ है, योगिराज सुंदरनाथ जी का है। सुंदरनाथ जी बहुत सिद्ध योगी थे, हमारे नाथ संप्रदाय से उनका संबंध था और ये मान्यता है कि यदा कदा वे अपना दर्शन यहाँ पर श्रद्धालु जनों को देते हैं। ऐसे पूज्य संत और योगी जो अपनी तपस्या से इस पूरे धाम को पवित्र करके श्रद्धालु जनों की आस्था को एक नई मजबूती देते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनके श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, यहाँ पर उनकी गुफा भी है और मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार उनकी गुफा की पुनरुद्धार की कार्रवाई यहाँ पर अगर कर दे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग या उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग कोई भी करे, मुझे लगता है एक नया अनुभव होगा, क्योंकि मान्यता है कि महाभारत की रचना और पुराणों की रचना इसी धाम में भगवान वेदव्यास ने और उसके उपरांत भारत की संत परंपरा ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया था। आज के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर जिस पर्यटन आवास गृह का निर्माण करने जा रहे हैं इस समय सीमा के अंदर संपन्न हो, उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जनों के साथ साथ देश के श्रद्धालु जनों को यहाँ पर आवास और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करा सके और यहाँ पर उनकी आस्था के अनुरूप भगवान बद्रीनाथ जी के और यहाँ के अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो सके, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भूमि उपलब्ध कराई और बहुत अच्छे लोकेशन पर यह भूमि है। यहाँ से न केवल आने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि यहाँ पर श्रद्धा और पर्यटन दोनों विकास की संभावना को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देने में सफल हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर के न केवल एक दूसरे के विकास के प्रति, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति, बल्कि विकास और पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो मौजूद हैं और जो आने वाली संभावनाएं हैं उन सब के लिए भी हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस बद्रीनाथ धाम के सभी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उत्तराखंड विकास की जिस नई एक नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है इसके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड विकास का एक नया मॉडल बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय बद्री विशाल। मैं निवेदन करूंगा कि पत्रकार वार्ता ये घोषणा कर लूं थोड़ा। पहले मैं पूज्य गुरु जी का बहुत बहुत मेरे को धन्यवाद करना चाहता है, इसलिए मुझे इन्होंने पहले बुला दिया तो मैं बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप उत्तराखंड में आए और आपने दो तीन दिन हमको और हमारे कार्यकर्ताओं को यहां पर अपना सानिध्य दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। साथ ही आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से बर्फबारी हुई है और हमारे देशभर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक स्नो कटर जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, मैं जनता
पद चमोली के लिए देने की घोषणा कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो अतिथि यहाँ पर देश भर से आते हैं उनको कोई तकलीफ न हो, वो आसानी से अपना रास्ता गंतव्य तक पहुँच सकें। एक हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं भेटोली, जब कोई अपने मेहमान आते हैं तो उनको भेंट किया जाता है, तो उसमें हम लोग अपना लोकल उत्पाद देते हैं, तो मैं पूज्य योगी जी को देना चाहूँगा। सर सर साइड में आ जाइए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.